मैंने कहा कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या जब भी आपके पास कोई प्रश्न आता है या आपके मन में कोई प्रश्न आता है, उसका उत्तर कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले जैसे हर ताले में चाबी डालनी पड़ेगी तभी वो खुलेगा, तो वैसे ही प्रश्न में झांकना पड़ेगा। हर प्रश्न का उत्तर उसी में समाहित है। अगर आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो उसका उत्तर देना आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग बिना प्रश्न को समझे हुए जल्दीबाजी करते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं, जिससे उनकी भविष्यवाणियां गलत निकल के आ जाती है, जिसके कारण उनके जो उत्तर होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ज्योतिषी का पहला काम है या ज्योतिष के विद्यार्थी का पहला काम है प्रश्न को डिकोड करना। क्लाइंट सचमुच में क्या पूछ रहा है, वो कहना क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, कहाँ से आ रहा है वो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो पूछता है क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, तो इसको हमको डिकोड कैसे करना है। जैसे उसने क्या पूछा क्लाइंट ने हमारे, क्या मैं विदेश जा पाऊंगा। देखिए, प्रश्न कौन पूछ रहा है, जा पाऊंगा यानी एक मेल है हमारा क्लाइंट, है ना, पुरुष है, जा पाऊंगा, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी में चार्ट जेंडर स्पेसिफिक होता है। अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है, कोई पुरुष पूछ रहा है, तो देखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है, और जब वही कोई महिला, कोई कन्या, कोई स्त्री पूछ रही है, तब भी हमारा मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि पुरुष को दिखाने वाले ग्रह अलग है, महिला को दिखाने वाले ग्रह अलग है। तो हमारा क्वेश्चन किसने पूछा, किसी पुरुष ने, क्या जा पाऊंगा, मैं पढ़िए उसको। उसने कहा क्या मैं कौन डिनोट करता है पुरुष कुंडली में, जुपिटर, क्योंकि जीव कारक पुरुष कुंडली में गुरु है, जुपिटर बृहस्पति है, तो मैं को डिनोट किया गुरु ने, तो क्या मैं यानी गुरु की बात हो रही है अब यहाँ पर। उसने, क्लाइंट ने गुरु की बात की, और आगे उसने क्या कहा, विदेश, और विदेश को विदेश कौन ग्रह दिखाता, राहु और चंद्र राहु, विदेश को राहु राहु दिखाता, राहु विदेश को राहु। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो BNN है वह ग्रह प्रधान है, जैसे KP है वो भाव प्रधान है, उसमें हाउसेस देखते हैं हम कि इन घरों का संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है, और BNN में ग्रह देखते हैं, क्योंकि BNN ग्रह प्रधान है, ग्रहों से भविष्यवाणी होती है। जैसे मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ, 80% भविष्यवाणी BNN में ग्रहों के माध्यम से होगी। तो जो भी प्रश्न है उसको हमें ग्रहों में डिकोड करना है, ग्रह ग्रह में तोड़ लेना है। तो क्या मैं गुरु विदेश राहु जा पाऊंगा, जाना यानी अपने जन्म स्थान से किसी और स्थान पे जाना है, ये अपने शहर से किसी और स्थान पे जाना, अर्थात चंद्रमा की बात हो रही है। अर्थात किसी भी पुरुष कुंडली में अगर गुरु राहु और चंद्रमा के बीच में संबंध होगा, नाड़ी संबंध जो हम पढ़ चुके हैं, जो एस्पेक्ट वाला हमने पढ़ा था और हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, तो तीनों ग्रहों के बीच में संबंध होगा, तो हम उसको बोल पाएंगे कि हाँ तुम विदेश जा सकते हो, क्योंकि तीनों के बीच में संबंध है, मैं विदेश और जाने के बीच में संबंध है। अच्छा, किसी कुंडली में अगर हाँ जाना और विदेश में भी संबंध हो तब भी वो जा सकता है, कम से कम थोड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं जा पाऊंगा, चलो मैं नहीं है, लेकिन जाना और विदेश दोनों अगर इकट्ठे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, यानी विदेश का राहु और जाने का चंद्रमा, अर्थात किसी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ है या दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग संबंध बन रहा है, तब भी उस कुंडली में विदेश जाने के योग होंगे, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा। अगर यही कि मैं विदेश जाकर सेटल हो पाऊंगा तो सेटल के लिए बिल्कुल सरकार बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो व्यक्ति ये कह रहा है ना, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं विदेश जाकर सेटल हो पाऊंगा, वो क्या चाहता है वहां पर। तो हम देखेंगे कि अब इसमें गुरु का रोल आ गया, क्योंकि सिर्फ राहु और चंद्रमा के बीच की भूमिका है, तो व्यक्ति जा रहा है आ रहा है, बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं घूम के चले आते हैं, हाँ बहुत सारे लोग जाते हैं ना विदेश जाते हैं वापस आ जाते हैं, जी हाँ लेकिन कुछ घूमने के लोग लिए विदेश हाँ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। उसके लिए सेटल होने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला वो व्यक्ति का संबंध चाहिए, व्यक्ति देश से जुड़ा होना चाहिए या व्यक्ति का काम जुड़ा होना चाहिए, तभी तो विदेश में सेटल होगा ना। जब वो व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा विदेश से या उसका काम जुड़ा हुआ होगा या उसको विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के योग की कुंडली में, तभी तो होगा ना, तभी तो सेटल हो पाएगा ना, ये तो नहीं कि गया और वहां पर वो रह गया। तो अगर उसके कुंडली में ये गुरु का, गुरु राहु चंद्रमा के योग होंगे, गुरु शनि राहु चंद्रमा के योग होंगे, तो संभावना बनेगी कि वो विदेश में सेटल हो सकता है। इसमें और भी
कुछ सटलिटीज हैं इसमें, कुछ और एडवांस चीजें भी हैं। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसके कुंडली में विदेश में जमीन खरीदने के या घर खरीदने के भी योग हैं क्या, क्योंकि सेटल होने का मतलब है घर खरीदने के भी योग होने चाहिए। हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन इससे भी एक प्रश्न आता है, कोई आपसे ये पूछता है कि क्या मैं विदेश जाकर काम कर पाऊंगा। कोई अगर आपसे ये पूछता है क्या मैं विदेश में काम करूंगा, ये पूछता है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको हम समझते हैं, फिर जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे, क्योंकि सब कुछ हमें पढ़ना है। हम इस कोर्स में ये भी जानेंगे कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, ये भी सीखेंगे कि क्या मैं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊंगा, ये भी सीखेंगे क्या मैं विदेश जाकर काम करूंगा, या मेरा विदेश में काम को लेकर कोई संबंध बनेगा, या मैं क्या क्या मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाऊंगा, सब कुछ सीखेंगे हम। ये 3 लेवल्स में सारे प्रश्न के उत्तर, जो भी कॉमन्स होते हैं, सब प्रश्न के उत्तर देना सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिखा रहा हूँ कि उसका बेसिक पकड़िए, लॉजिक पकड़िए, आंसर कैसे करना है, डिकोड कैसे करना है किसी भी प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न नहीं उत्तर छुपा हुआ है। जिस ज्योतिषी ने, ज्योतिष के विद्यार्थी ने प्रश्न को समझ लिया, उत्तर देना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी गलती ज्योतिष के विद्यार्थी यहीं काम करते हैं कि सुनते नहीं है वो लोग। उनको लगता है कि बस क्लाइंट ने बोला नहीं कि उसका उत्तर दे दो, क्लाइंट को चकाचौंध कर दो। पर हमें क्लाइंट के प्रश्न को डिकोड करना है, क्लासिफाई करना है, किस ग्रहों की बात बोल रहा है क्लाइंट। आपने ग्रह पकड़ लिया, जैसे वास्तु हम सीखते हैं, वास्तु में मैं क्या सिखाता हूँ, जब भी क्लाइंट कोई प्रश्न पूछ रहा है या अपने कोई समस्या बता रहा है, तो समस्या को किसी जोन को अलॉट कर दो कि अरे हाँ, उसने ये बात बोली, ये इस जोन से आता है, इसका ये प्रश्न इस जोन से जुड़ा हुआ। जैसे ही आपने प्रश्न को जोन से जोड़ दिया, आपको वास्तु करना आसान हो जाता है। वैसे ही बीएनएन में अगर आपने प्रश्न को, प्रश्न के जो कीवर्ड है, जिसने जिसने क्लाइंट ने, हमारे क्लाइंट ने जिन जिन शब्दों को बोला है, जो भी शब्द महत्वपूर्ण है, उनको किसी ग्रह से जोड़ दो और देखो क्या उसकी कुंडली में उन ग्रहों के बीच में संबंध है। क्योंकि बीएनएन मानती है कि कोई भी ग्रह अकेला परिणाम नहीं देता, कोई भी घटना घटने के लिए ग्रहों को आपस में आना पड़ेगा। जब दो या दो से अधिक ग्रह संबंध स्थापित करेंगे, तो उस संबंध से जो बनेगा, उस संबंध से जो घटना आएगी, वो हमारे लाइफ में घटित होगी। तो हमें देखना है, जैसे हमारा प्रश्न था क्या मैं विदेश में काम कर पाऊंगा, तो फिर से क्या मैं गुरु विदेश राहु जाकर चंद्रमा और काम करना शनि, तो अगर इन ग्रहों के बीच में या इनमें से अधिक ग्रहों के बीच में संबंध होगा, तो व्यक्ति जाकर काम कर पाएगा। ठीक वैसे ही आपके पास कोई लड़की आती है, आपके पास कोई लड़की आती है और पूछती है क्या मेरे विवाह में देरी होगी, क्या मेरे विवाह में देरी होगी, तो लड़की अपने विवाह के बारे में पूछ रही है, और विवाह यानी पति से संबंध, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, वो बोल रहे क्या मेरी विवाह यानी कि पति से संबंध यानी मंगल, प्राइमरी मंगल, मंगल और देरी का कारक कौन सा है, शनि। और वैवाहिक सुख कहीं ना कहीं वीनस का भी रोल आएगा, वीनस का भी रोल आएगा, लेकिन प्राइमरी कौन सा है, मंगल और शनि के बीच में संबंध। अगर उसकी कुंडली में मंगल और शनि के बीच में संबंध है, देरी हो जाएगी। अगर इसमें शुक्र भी जुड़ गया, यानी शुक्र पे भी शनि का प्रभाव है, मंगल पे भी शनि का प्रभाव, तो पक्का देरी, विवाह में देरी होगी। ऐसे हमें डिकोड करना है। अच्छा एक प्रश्न ऐसा भी है, जैसे आपके पास कोई लड़की आती है, पूछती है कि क्या मेरे विवाह में अड़चने आएंगी, क्या मेरे विवाह होने में समस्याएं आएंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसने क्या कहा, क्या मेरे विवाह में, यानी कहीं ना कहीं वीनस और मंगल की बात बोल रही है, कहीं ना कहीं वो लड़की वीनस शुक्र और मंगल की बात कर रही है। और अड़चन आना, समस्याएं आना कौन ग्रह दिखाता है, केतु, केतु दिखा रहा है, प्राइमरीली केतु दिखाता है। तो अगर उसके कुंडली में मंगल और केतु साथ में होंगे, या मंगल केतु ट्राइन में होंगे, यानी उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन होगा, तो आप कह सकते हैं हाँ तुम्हारे विवाह में समस्याएं आएंगी, उलझने आ सकती हैं, अड़चने आ सकती है, क्योंकि तो अड़चन का कारक जो पति का कारक ग्रह है उसके साथ है। अच्छा कोई आपके पास आता है, कोई पूछता है क्या मेरे पति से नहीं बनेगी या बनेगी, ये भी लोग पूछते हैं, कम से कम जो विवाह है वो कन्याएं हैं मेरे पास, तो जो लड़कियों के प्रश्न आते हैं तो लोग पूछ देते हैं कि क्या घर वाले मुझे कैसे मिलेंगे, उनसे क्या मेरी बनेगी, इन लॉज कैसे होंगे, या कई उनमें से ये भी पूछते हैं कि मेरे पति से बनेगी नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कोई अगर ये पूछते क्या मेरे पति से मेरी बनेगी नहीं बनेगी,
तो वो किन ग्रहों के बारे में बात कर रही है? क्या मेरे मेरे पति से, नहीं मेरे यानी अपने बारे में बात कर रही है? वीनस, शुक्र मंगल, और मेरे पति से यानी मंगल, इनके भी इनके बारे में बात कर रही है। शुक्र और मंगल को देखेंगे, ठीक है, और अड़चन देने वाला ग्रह केतु अगर मंगल के साथ है, क्योंकि पति को वही दिखाएगा, मंगल ही दिखाएगा। तो मान लो किसी कुंडली में मंगल केतु है और बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है, या मंगल के जस्ट आगे केतु है, तो साथ में है डिग्री में मंगल के आगे केतु है, या मंगल से अगले अगले घरों में केतु होगा, पति से अनबन रहेगी। और अधिक अनबन कब रहेगी? जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाए। कब एक्टिवेट होगा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसके कुंडली में प्रॉमिस है। अब बोलोगे हाँ पति से अनबन रहेगी, पति से मतभेद हो सकता है, थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समय समय पर समस्याएं आएंगी, उलझने आएंगी। कितना आसान है ये, आपको सिर्फ डिकोड करना है, क्लाइंट के ग्रह क्वेश्चन को डिकोड करना है। क्लाइंट के क्वेश्चन में जो भी शब्द आए हुए हैं, जब भी वो पूछ रहा है, देख लो उसके कीवर्ड कौन कौन है, मेन मेन कौन कौन शब्द पकड़ना है आपको, ग्रहों से जोड़ दो, उठा लो, अरे इस ग्रह की बात बोल रहा है ये, इस ग्रह की बात बोल रहा है ये, इस ग्रह की बात बोल रहा है, इसने इस ग्रह की भी बात बोली है, इन ग्रहों के बीच में संबंध देख लो उसके कुंडली में, संबंध कैसे दिखना है मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ, और आगे हम और पढ़ेंगे। उसके कुंडली में संबंध है तो बोल दो हाँ ये चीजें होंगी, एकदम आसान है बीएनएन, एकदम ही सरल है। इसीलिए मैं कहता हूँ भृगु नंदन नाड़ी सबसे सरल सिस्टम है, जामने की तरह ही बहुत ही सरल, सब कुछ ग्रहों के माध्यम से होगा। जिसने ग्रहों को पकड़ लिया, जिसने ग्रहों को समझ लिया, जितने पुराने वीडियोज मैंने दे रखे हैं आपको ग्रुप में, जो जितने पुराने वीडियोज हैं सबको देखिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या दिखाता है, क्या क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि सब कुछ ग्रह ही है। तो जब तक ग्रहों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मुझे कौन दिखाता है, कौन ग्रह मुझे इंडिकेट करता है, मेरे पति को कौन ग्रह इंडिकेट करता है, मेरे बेटे को कौन ग्रह इंडिकेट करता है, मेरी बड़ी बेटी को कौन ग्रह इंडिकेट करता है, कि डिकोड कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ग्रहों के, ग्रहों के जो कारकत्व हैं शायद ग्रुप में होंगे, तो आपको उसको जितने हैं सब पढ़ जाइए, कम से कम उतना तो पता चलेगा ना।